आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंचे और ग्राम सोहेड़ी में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इससे पहले मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे थे और फिर उनका हेलीकॉप्टर बिजनौर में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा। उनके आने से पहले ही भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने लोगों को बसों से सभा स्थल पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। 11 बजे तक सभा स्थल का मैदान खचाखच भर गया था। लोगों को लाने के लिए बसें लगाई गई थी। सभा स्थल पर जितनी पब्लिक थी उसी हिसाब से चारों ओर पुलिस का भारी इंतजाम किया गया था। चारों ओर पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही थी। ठीक 3:30 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सोहेड़ी में उतरा। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए सभा स्थल पर मौजूद महिलाओं और उनके साथ आए बच्चों में कौतूहल देखा गया। हेलीकॉप्टर के जमीन के करीब आते ही चारों ओर धूल उड़ने लगी और जब हेलीकॉप्टर के पंखे शांत हुए तो मुख्यमंत्री बाहर उतरे, जिनका पार्टी के मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ साथ डीएम और एसपी ने भी स्वागत किया। मुख्यमंत्री स्टेज पर पहुंचे तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री लगभग 25 मिनट तक बोले और लोगों में उत्साह का संचार किया। स्पीच खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ देर तक विधायकों और मंत्रियों से बातचीत की और फिर हेलीपैड की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर के बाद उनका हेलीकॉप्टर हवाओं में प्रवास कर गया। मुख्यमंत्री के जाने के बाद भीड़ बाहर निकलने लगी और सड़क पर दूर तक जाम लग गया। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम खैरियत से निमट जाने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए
के महात्मा की भूमि पर भाइयों